केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सीएए के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएए सिर्फ लोगों को नागरिकता देने के लिए नहीं है, बल्कि लाखों लोगों को न्याय और अधिकार देने के लिए भी है। ऐसे मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मेरे जैसे समाज जीवन के कार्यकर्ता के लिए एक बहुत भावुक क्षण है, क्योंकि ये सीए सिर्फ देश के लाखों लोगों को, देश में बस रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं है। सीएए देश में बस रहे लाखों शरणार्थियों को न्याय देने का और अधिकार देने का कार्यक्रम, और पास्ट में भारत सरकार जो कांग्रेस पार्टी और इनके साथियों ने चलाई, इनकी तुष्टिकरण की नीति के कारण सन 47 से लेकर 2014 तक जो लोग देश की शरण में आए उनको अधिकार नहीं मिले, उनको न्याय नहीं मिला। उनकी प्रताड़ना पड़ोसी देशों में तो हुई, क्योंकि वो हिंदू थे, जैन थे, बौद्ध थे, सिख थे, मगर उनकी प्रताड़ना अपने देश में भी हुई, यहां पर भी हुई। लाखों करोड़ों लोग, तीन तीन पीढ़ियां हो गई न्याय के लिए।